आज देश की आंखें नम हैं, देशवासियों की आंखों में आंसू है, तो चेहरे पर आक्रोश भी है। पाकिस्तान के खिलाफ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आक्रोश घरों से निकलकर सड़कों पर फूट रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी देश के वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के दिल दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर में असम तक हर जगह शहीदों को नमन किया जा रहा है। उनकी याद में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, हर कोई सड़क पर उतर गया है। सबके दिलों से शहीद जवानों के परिवार के लिए दुआएं निकल रही हैं। हर कोई सैनिकों की शहादत पर उनको नमन कर रहा है। सड़कों पर शहीद जवान अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के हर तबके में आक्रोश है और इसकी बानगी दिखी देश के दिल दिल्ली में। यहाँ इंडिया गेट पर अलग अलग गुटों के कैंडल मार्च ने आम लोगों को भी जुड़ने पर मजबूर कर दिया। पूरा इंडिया गेट कैंडल की बिखरती हुई रोशनी से जगमगा रहा था। किया गया हमारी सेना पर, हम सब लोग उससे आहत हैं और दुखी हैं। लेकिन गाड़ी में हम अपने जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। आज हमारी देश की माँ बहनें रो रही हैं, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना बेटा खो दिया, सब रो रही है। हम देश से चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि हम जैसे युवा को पावर दिया जाए। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये तस्वीर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है। सरोजनी नगर मार्केट भी आतंकी हमले का दंश झेल चुका है। यहाँ के लोग आतंकी हमले का दर्द क्या होता है अच्छे से जानते हैं। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को यहाँ के मार्केट के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, फूल मालाएं चढ़ाई। श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम का आयोजन तो मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने किया था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला और वंदे मातरम के नारे लगाए। जिस कैंपस में अफजल गुरु का शहादत दिवस मनाया गया था, उसी कैंपस में पुलवामा में शहीद सैनिकों को भी याद किया गया। उनके लिए शांति मार्च निकाला गया। ये शांति मार्च छात्रों और टीचर ने संयुक्त रूप से निकाला। ये शांति मार्च गंगा ढाबा से शुरू हुआ और एडमिन ब्लॉक तक गया। छात्रों ने शहीदों के नाम पर मोमबत्तियां भी जलाईं। पुलवामा में पाकिस्तान के कायराना हरकत के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। जयपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। हजारों की संख्या में आक्रोशित भीड़ में एक छोटी सी बच्ची भी भारत का तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रही थी। रुड़की आईआईटी के हजारों छात्रों ने बेहद शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला और शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी ओर सिविल लाइन चंद्रशेखर चौक पर भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विंध्याचल में शहीद जवानों को अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर परिसर में शहीदों के लिए हवन पूजन किया गया। पुरोहित और स्थानीय लोगों ने हवन पूजन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने आज हर हिंदुस्तानी आगे आया है। धर्म जाति के बंधनों को तोड़कर हर देशवासी सरहद के रक्षकों का कर्ज चुकाने सड़क पर आ गया है। देश के हर कोने से यही आवाज आ रही है, हिंदुस्तान के 40 जाबाजों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।
आज हिंदुस्तान का हर इंसान नम आंखों और आक्रोशित जुबान से यही कह रहा है, पाकिस्तान से खून के एक एक खतरे का हिसाब होगा। अपने आसपास ऐसा मंजर, ऐसा नजारा आपने कभी देखा होगा। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मराठा नहीं, यहाँ कोई है तो बस हिंदुस्तानी।